ठीक है, ये आप कह रहे हैं 125 वाट का कंप्रेसर है सिर्फ छोटा सा, और ये कूलिंग पाइप है जो ठंडा करता है। ठीक है, ये मतलब उसके अंदर प्योर कॉपर का जो पाइप है ना वो यूज करते हैं ताकि कूलिंग जो है ना वो बिल्कुल सही हो। स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, सारी मजबूत है, कभी ना कहीं पे जाने वाला नजर। 5 साल की गारंटी है इसकी, 5 साल की गारंटी है, 5 साल की, 5 साल की गारंटी है। उसके अंदर आपने ये कंप्रेसर वगैरह लगाया, ये कितनी बिजली खाता है? ये तकरीबन 0.4 एम्पीयर लेता है, आधा एम्पीयर ज्यादा से ज्यादा लेगा ये, मतलब 100-125 वाट जो है तकरीबन लेगा, 20-25 वाट लेगा ये। ये नजर आ रहा है कि ये बीच में इसके ठंडी कॉइल लगी हुई है और उसको ठंडा करने के लिए गैस को नीचे, इसका पूरा सिस्टम है वो भी आपको दिखाते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, खुशामदीद कहते हैं आपको आज एक जबरदस्त व्लॉग में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के अंदर और यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आई है जो गर्मियों में बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती है, यानी कि ठंडा पानी। तो पानी को ठंडा करने के लिए अमूमन घरों के अंदर जो है वो बर्फ यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पर बड़े जबरदस्त तरीके से जुगाड़ करके फ्रिज वाला कूलर को फ्रिज बना के पानी को ठंडा किया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं, आपको चल के दिखाते हैं। भाई हमारे साथ मौजूद है जो ये कारीगरी जो ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, साथ उनसे पूछेंगे, साथ आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई जान? नाम है अपना? मोहम्मद अवैस। अवैस अवैस भाई, ये जो कूलर वगैरह ये क्या कर रहे हैं आप, ये कैसे इस कूलर को फ्रिज बना देते हैं आप लोग? सर ये हम पानी ठंडा कर रहे हैं इसे कूलर से, ये बिजली की भी बचत है और मिनटों सेकंडों में समझ ले के पानी ठंडा हो रहा है, फौरी तौर पे पानी ठंडा हो जाएगा। फौरी कूलर भरा होगा फिर भी ठंडा हो जाएगा, आधे पौने घंटे में कूलर फुल जो भरा होगा वो ठंडा हो जाएगा, उसके बाद बंद कर दे 15 मिनट में जो वो पीने लायक पानी हो जाता है, जैसे की मुनासिब पीना जिससे गला वगैरह भी ना खराब हो। अच्छा, उसके बाद जब इसकी कूलिंग पूरी हो जाती है और ऑटोमेटिक ये ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है, 5-7 घंटे पानी ठंडा रहता है, जैसे हॉट एंड कूल में कूलर में, वैसे आम घरों में जो होता है हॉट एंड कूल, तो कूलर में सिस्टम होता ही है ना कि मतलब चीज ज्यादा देर तक जो है वो ठंडी या गर्म उसके अंदर रहती है। तो ये जो इसके अंदर आपने ये कंप्रेसर वगैरह लगाया, ये कितनी बिजली खाता है? ये तकरीबन 0.4 एम्पीयर लेता है, आधा एम्पीयर ज्यादा से ज्यादा लेगा ये, मतलब 100-125 वाट जो है तकरीबन लेगा, 120-125 वाट लेगा ये, 120-125 वाट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये कूलर लेता है। ये देखे ना इसके अंदर जैसे इन्होंने ये लगाई हुई है कॉइल, ये नजर आ रहा है कि ये बीच में इसके ठंडी कॉइल लगी हुई है और उसको ठंडा करने के लिए गैस को नीचे, इसका पूरा सिस्टम है वो भी आपको दिखाते हैं साथ। ये स्टेनलेस स्टील का ये अंडरग्राउंड बना है, ये बिल्कुल अंडरग्राउंड बना है, इसके अंदर पाइप नहीं है, बॉडी के अंदर पाइप है इसके। आप कह रहे हैं कि इसके आउटसाइड के ऊपर जैसे ये इसकी ये तय, इसके अंदर पाइप है? जी जी। अच्छा, इसके अंदर पाइप है, जैसे इसके अंदर है ना हीट कूलिंग के लिए जो कॉइल है जी, इसकी बाहर वाली साइड पे जो है वो कॉइल है, इसके अंदर भी नहीं है। और ये अच्छा, तो ये इसमें तो नहीं पानी होता गर्म? नहीं नहीं, ये भी पानी ठंडा रहता है इसमें भी, इसके बाहर भी सारी पूरी इंसुलेशन की हुई है। तो आपको हम दिखाएंगे कि इसके अंदर जो है वो इंसुलेशन इन्होंने कैसे की हुई है, कैसे उसको प्रॉपर कवर करते हैं और फिर जो है वो उसको दिखाते हैं। ये देखे ना, ये छोटे छोटे कूलर भी हैं, ये भी क्यों है, ये बड़ा जो कूलर है ये भी है, ये स्टेनलेस स्टील के भी कूलर है, स्टार्ट होते हैं 20 लीटर से स्टार्ट होते हैं, तो 200 लीटर 500 लीटर तक भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इससे बड़ा भी चाहिए 2000 लीटर तक भी हम ऑर्डर पे तैयार करते हैं। मतलब छोटे से छोटा भी आपको मिल जाएगा और आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी है, आपने किसी फलाहे आमा के लिए लोगों की खिदमत के लिए लगाना, तो बड़ा कूलर भी आपको ये बना देंगे और आपको इनसे मिल भी जाएगा। अभी इनके पास दो किस्म के कूलर है, कि ये गोल्डन कलर का कूलर है इनके पास और दूसरा और ये जो है आगे भी आ जाए, ये भी देख ले, और दूसरा जो है ये स्टेनलेस स्टील का कूलर है इनके पास, ये देखें ये भी बना हुआ है, ये देखें ये भी कूलर बना हुआ है, साथ उसके वो ये भी देखे उन्होंने लगाया हुआ है, ये टूटी लगाई है जैसे आम अमूमन जो कूलर होते हैं उनके लिए, और नीचे उसका वो ड्रेन पाइप लगाया हुआ, मतलब अगर आप कहीं पर लगा रहे हैं जहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल है या ज्यादा लोग हैं जो पानी पी रहे हैं, तो उसके लिए देखें स्टील, स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, सारी मजबूत है, कभी ना कहीं पे जाने वाला नजर। 5 साल की गारंटी है इसकी, 5 साल की गारंटी है, 5 साल की, 5 साल की गारंटी, 5 साल की इसकी गारंटी। भाई कह रहे हैं ये देखें इसका ये कंप्रेसर वगैरह, बिल्कुल नया कंप्रेसर है, साथ पंखा इसके कंडेंसर को ठंडा करने के लिए लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इसके टैंक है और इसका कंडेंसर जो है ये कैसे ये करते हैं और कौन सा मटेरियल जो है ये यूज करते हैं। तो जी भाई, कौन कौन सा सामान जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं जरा बताएं। ये तो भाई कंडेंसर होता है, ठीक है ना, जो आउटसाइड पे लगता है, और ये जो जो ये गैस को ठंडा करने के लिए होता है, ये पंखा है, फैन है, मोटर है, ये 5 वाट की है सिर्फ, 5 वाट की, सिर्फ 5 वाट की है, ये कंडेंसर को गर्म होता है ना आउटसाइड वाला, इसको ठंडा रखती है, ठीक है। और ये कंप्रेसर है, ये बिल्कुल छोटा सा कंप्रेसर है, ठीक
ठीक है, ये आप कह रहे हैं 125 वाट का कंप्रेसर है सिर्फ छोटा सा, और ये कूलिंग पाइप है जो ठंडा करता है। ठीक है, ये मतलब उसके अंदर प्योर कॉपर का जो पाइप है ना वो यूज करते हैं ताकि कूलिंग जो है ना वो बिल्कुल सही हो। ये भाई स्टील का पाइप है हमारे पास, ये प्लास्टिक के कूलर में इस्तेमाल होता है, ये फूड ग्रेड पाइप है, इसकी लाइफ टाइम की हम गारंटी देते हैं, अगर ये लीक हो जाए या खराब हो जाए ये फ्री चेंज करके देंगे। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील का है जी, ये प्लास्टिक के कूलर में यूज होता है, प्लास्टिक के कूलर में यूज होता है, और वो जो मेटल बॉडी है स्टील बॉडी है उसके उसके अंदर कॉपर का होता है, उसकी आउटसाइड पे उसकी आउटसाइड पे कॉपर का पाइप जो है वो अंडरग्राउंड बना होता है, मतलब लीकेज का किसी किस्म का कोई डर नहीं है, नहीं कोई डर। अच्छा, इसकी जो है इसकी इंसुलेशन आप कैसे करते हैं कि ये ना हो गर्म? ये हमारे पास होता है, ये इंसुलेशन लगाते हैं इसको हम, ऐसे ही अंदर से बॉडी होती है, इसके अंदर ये कवरिंग की हुई है कूलिंग स्टोरेज के लिए, मतलब पूरा जो फोम वगैरह वो उसके साथ लगाया हुआ ताकि पानी जब आपका ठंडा हो जाए तो दोबारा जो है वो गर्म ना हो जाए। नीचे इसके ये सी फोम भी लगाया हुआ है ताकि हर तरह से ये कवर रहे, और ये देखें ये वाला जो है वो कूलर है जो दिखा रहे थे कमर्शियल लेवल पे, अगर आपने लगाना है तो मजबूत स्टेनलेस स्टील का कूलर है, मजबूत कहीं ना जाने वाला। इस तरह ये कूलर है, ये भी बड़े प्यारे खूबसूरत मजबूत स्टेनलेस स्टील के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कूलर है, इंतहाई वजनी है, अंदर ले आए आउटसाइड, और ये देखें ये बड़े बड़े और ये प्लास्टिक के भी जो हैं वो बड़े कूलर इनके पास मौजूद है। ये हमारे पास स्टील बॉडी भी और स्टेनलेस स्टील स्टैंड भी, इसका स्टेनलेस स्टील है। अच्छा, इसका स्टैंड भी स्टेनलेस स्टील का है, इसको जंग ना लगे खराब ना हो। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 100 लीटर है। हाँ, ये 100 लीटर वाला है, तो ये कितनी देर में पानी ठंडा करता है? ये 1 घंटे में ये ठंडा पानी कर देगा, 1 घंटे में ठंडा कर देगा और फिर ट्रिप हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसकी पूरे कूलर की कितनी वारंटी है? 2 साल की गारंटी है इसकी, 2 साल की गारंटी है, मतलब खराब होगा नया देंगे। हाँ जी, और ये भी जो है वो बाडियां पड़ी हुई है, बाकी बाडियां पड़ी हैं, ये भी बाडियां पड़ी हैं। ये देखें जी, ये कूलर जो है उसके ऊपर ये इन्होंने रोल किया हुआ है जो पाइप उसको ठंडा करने के लिए करते हैं, और इसके ऊपर फिर फोम वगैरह लगाएंगे जी जी, ताकि जो है ये देखें ये इनके पास फोम है जिसके जरिए बॉडी को प्रॉपर कवर करते हैं ताकि पानी जो है वो गर्म ना हो सके। बड़े छोटे हर किस्म के जो है इनके पास कूलर मौजूद हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जौन सा भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर किसी ने मंगवाना हो तो उसका क्या तरीकेकार होगा? तो हमारा सारे नंबर है व्हाट्सएप का जो आप ये इधर दिया हुआ है, उस पर कॉल करें, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी मिलेगी। ठीक है ना, एक फोन कॉल पर कूलर आपके पास है। ठीक है, तो अपनी जो दुकान है इसकी जगह भी बता दें, अगर कोई बंदा फैसलाबाद से या कहीं से आके लेना चाहता है। हमारी दुकान है फैसलाबाद डिस्कोर रोड मेन, टूटियां वाला खूह नजद मशहूर है। ठीक है, राणा बाबर स्वीट के नजदीक। ठीक है, कलमे वाली मस्जिद है। ठीक, अपना मोबाइल नंबर बोल के भी बता देंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 0305-7748-510। ठीक है, 0301-77-48-510। ठीक है, तो जो भी लेना चाहता है वो इनसे रब्ता कर सकता है, उसको ये डिलीवर भी करवा देंगे, और जो यहाँ पर आकर लेना चाहता है वो यहाँ पर आकर भी खरीद सकता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए मिलते हैं इजाजत, अल्लाह हाफिज़।